उठो, क्या करूँ मुझे ये मकई से मुझे सीटी तोड़ के तोड़ के दो। नहीं बेटा, ऐसे कैसे कर सकते हैं? नहीं मुझे तोड़ के दो, मुझे भूख लगी है। नहीं मुझे तोड़ के दो, एक दो तीन तीन सिक्के रहते हैं। नहीं बेटा, हम वहाँ जाएंगे तो कोई आ जाए तो एक फिर क्या करेंगे? नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगी, आपकी जिद मैं कैसे पूरी करूं? चलो एक एक। नहीं मैं नहीं जाऊंगी जान। नहीं नहीं मुझे लेके ना। देख अजान जिद कैसे कर गया है, नीचे लेटने लगा है। चलो उठो उठो, देखते हैं, चलते हैं फिर। एक तोड़ दूंगी। हाँ एक, सिर्फ एक। आपने जिद कर ली है, मैंने कभी चोरी की भी नहीं है तो मैं कैसे जाऊँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। जो मेरे भाई बहनें दुख में है, तकलीफ़ में है या किसी परेशानी में है, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे। तो इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम भाई और बहनों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और वीडियो को पूरा वॉच करना है, लाइक शेयर भी ज़रूर करना है। जी तो प्यारे वर्ष, हमारे जो है ना घर के साथ में ही मकई बीजी हुई है तो अजान जो है ना रोज़ाना देख कर आता है। आज जो है ना इसने जो है ना जिद पकड़ ली है, ये कह रहा है कि मुझे अम्मी छली तोड़ कर दो। तो भी वर्ष किसी की जो है ना मकई बीजी हुई में जो है ना मैंने आज तक किसी की कोई भी चोरी नहीं की, तो आज जो है ना अजान की जिद ने मुझे मजबूर किया है। तो चलते हैं वर्ष, देखते हैं कि छलियाँ जो है ना पक चुकी हैं और वहाँ पर चलते हैं, देखते हैं क्या बनती है। चलो चलो मुझे ऐसी तो रहे तो प्यारे व्यूअर्स आप देख रहे हैं ये माशाल्लाह से बाहर का माहौल जो है ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये धान है, अभी जो है ना ये चावल कम से कम एक महीना इनको जो है ना दे रहा है ये तैयार होने में। तो ये अब जो है ना इसको जो है ना नीचे आप देख रहे हैं पानी भी लगा हुआ है, तो इंशाल्लाह ये चावल भी तैयार एक महीने में हो जाएंगे। चलो यहाँ आगे आगे चलते हैं छलियों की तरफ, पता नहीं हमारे साथ क्या बनता है। अजान की जिद तो आज मैं पूरी कर रही हूँ। अजान की बात तो माननी नहीं चाहिए थी। नुमान आपको पता है कि आज इसने अजान ने क्या किया? इसने जिद की कि अम्मी चलते हैं छलियाँ तोड़ने। वहाँ पर हम गए तो वहाँ पर तो छलियों का मालिक जो है ना बनने पर चल रहा था और एडा सारा डंड हम तो बहुत ही अजान तो भाग गया, लेकिन मैं तो गिरते गिरते बच्ची बहुत ही मुश्किल से पहुंची हूँ। एंड अनुमान मैं आपको बता रही हूँ,
कभी भी किसी की चोरी नहीं करनी, अपनी मेहनत करके अपनी मेहनत से सब कुछ खरीदना है, मेहनत करके चोरी कभी भी किसी की बेटा नहीं करना। हाँ ठीक हुआ है आपके साथ, ठीक हुआ है। आप छलियाँ खाते हो, छलियाँ आपको बड़ा शौक है छलियाँ खाने का, मुझे भी बहुत थका गया जी। तो प्यारे व्यूअर्स, बच्चों की बातें मानकर ऐसा करना तो नहीं चाहिए। आज तो अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया, लेकिन असल में मैं भाग आती, असल में मेरे जो है ना पांव पर बहुत ही बड़ी विवाद, मैंने आपसे वीडियो वो भी शेयर की थी, तो बहुत ही बड़ी चोट लगी थी। आज कम से कम 15 दिन हो गए हैं ये चोट जो है ना ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रही। तो अजान जिद की, मैंने भी सोचा कि छलियाँ जो है ना चलो एक अजान को ले देती हूँ, क्या होता है, कुछ नहीं होता है, तो खाने वाली चीज़। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि बच गए हैं, भाग गए अजान और मैं। वो तो हमारे जो है ना छलियों का मालिक जिन्होंने बीजी हुई है वो तो हमारे पीछे ही पड़ गया। मैंने मुझे हाथ जोड़ने पड़े कि आई एम सॉरी। हम कहता छोटा सा बच्चा था, उन्होंने हमें डरा दिया। एक तो ऊपर से जो है ना विवाद, आपको पता है कि इंसान जो है ना डाकुओं की वजह से ही बहुत परेशान है, बहुत डरा हुआ है। तो मैं तो सच्ची पूछें बिल्कुल बहुत ही डर गई, और मैं जब पीछे भागी तो मैंने तो ये सोचा कि कोई डाकू आ गया, लेकिन शुक्र है अल्लाह का डाकू नहीं था, ये छलियों का मालिक था। तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि हम बच गए, और एन द अजान की जिद मैं पूरी नहीं करूँगी, बस वो पूरी करूँगी अजान की जिद जो करने वाली हो, ऐसी जिद अजान की मैं पूरी नहीं करूँगी। फसल में तो मैं जाऊँगी भी नहीं, जैसे कि धान होता है, जैसे कि छलियाँ होती हैं, जैसे कि ये कमाद होता है। अजान कभी कहता है कि अम्मी मुझे गन्ना तोड़ कर दो, मैं नहीं जाऊँगी। आइंदा जो है ना अजान की बातें मैं नहीं मानूँगी। आज मुझे गन्ना तोड़ के देना। आज आपने छली खा ली है ना, इसी तरह वो वहाँ पर जिन्होंने बीजी हुई है वो ख्याल करते हैं अपनी फसल का। प्यारे व्यूअर, नुमान तो जिद नहीं करता, क्योंकि नुमान बड़ा है ना, इसलिए नुमान को हर बात का पता है और समझदार भी है। और अजान जो है ना छोटा है ना, इसलिए जो है ना ये बहुत ही जिद करता है, बिले वजह हर एक बात पर ही जिद करता है। तो जी, तो प्यारे व्यूअर, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, और कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।